अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% हो जाए, तो आप स्मार्टी जोन ऐप के थ्रू यहाँ पे अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेस्ट कोर्सेज मिलने वाले हैं जो कि क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा आपको मिलेंगे। यहाँ पे बैंकिंग, SSC, CHSL और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, UP की गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के आपको कोर्सेज मिलने वाली है। तो आपको सिंपली इसके लिए स्मार्टी जोन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको स्टोर के सेक्शन में जाना है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उस गवर्नमेंट जॉब का नाम आपको सर्च करना है। यहाँ पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे, साथ ही कुछ फ्री कंटेंट भी आपको मिलेंगे और कोर्सेज के ऊपर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाए, तो आप जरूर से हमारा कोर्स ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि यहाँ पे SSC ने CHSL की जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया था, तो यहाँ पे एक और नोटिस अभी अभी जारी की गई जिसमें कि आपको बताया गया है कि फिर से CHSL की जो डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे जो एक्सटेंड करके डेट हुई थी वो 19 दिसंबर था, यानी कि आज का डेट था, और यहाँ पे जो अभी इसकी डेट एक्सटेंड करी गई है वो 26/12/2020 है, यानी कि 26 दिसंबर तक आप इसमें फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाओगे। और पेमेंट का जो डेट है वो यहाँ पे 28 दिसंबर तक बढ़ के हो गया है, और यहाँ पे ऑफलाइन चालान जनरेशन करने का जो डेट है वो 30 दिसंबर तक बढ़ के हो गया है, और यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 1 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है एक्सटेंड करके। तो ये यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि SSC का जो साइट है वो यहाँ पे इसका सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, फॉर्म स्टूडेंट जो है वो सबमिट ही नहीं कर पा रहे, इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है SSC की साइट पे, उसी की वजह से यहाँ पे जो इनका डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक अपडेट है SSC CHSL कैंडिडेट के लिए, जो लोग भी अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे ये डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है लास्ट डेट सबमिट करने का। तो अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो अब आप 26 दिसंबर तक अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। और एक और यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है SSC CGL के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता था, कैलेंडर में डेट दिया गया था कि SSC CGL का जो नोटिफिकेशन का डेट था वो 21/12/2020 रखा गया था। 21 दिसंबर को यहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली थी, बट यहाँ पे इसको जो है वो थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। इसका जो डेट है वो बढ़ के हो गया 29/12/2020, यानी कि 29 दिसंबर तक आपको यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो 29 दिसंबर को देखने को मिलेगा। 21 दिसंबर का इसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, और ये हो रहा है यहाँ पे सर्वर डाउन की वजह से। SSC का जो साइट है वो सर्वर डाउन चल रहा है अभी, इसलिए यहाँ पे इसकी जो डेट है वो भी यहाँ पे डिले कर दी गई, क्योंकि आप अभी तक CHSL का फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे हो तो यहाँ पे CGL का फॉर्म कैसे इस पर फिल होगा, इसलिए आप इसका जो डेट है वो डिले कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है CGL के लिए। जो लोग भी यहाँ पे SSC CGL में फॉर्म फिल करने वाले थे उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 29/12/2020 तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते। तो यहाँ पे SSC CGL के लिए जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आने वाली है 29 दिसंबर को, यानी कि 29 दिसंबर से ही इसका लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा और 29 दिसंबर से ही आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। तो फॉर्म आपको जो फिल करना है उसमें इस फोटो की क्या साइज होनी चाहिए, कैसे आप फोटो के ऊपर डेट लिख सकते हो, और उसका जो डायमेंशन दिया जाता है फोटो का वो कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही उसको सेट कर सकते हो, वो सब मैंने डिटेल में बताई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये अपडेट आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।